प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 23 अक्टूबर को जनपद में आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO अनुज सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर SK तिवारी, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह, BSA BN सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 23 अक्टूबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आ रही महामहिम आनंदीबेन पटेल के स्वागत की तैयारी के साथ उनके विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपनी तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए गए। कौशल विकास मिशन, पाइप पेयजल योजना जल निगम, तो उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। कार्यक्रम जो आपके यहाँ चलता है वो भी कर दीजिए, विद्यालयों वाला भी कर दीजिए। इसमें देखिए, इसकी PPT बननी, ये लोग हमारे ऑफिस में जो मनरेगा कक्ष है, मनरेगा सेल बना हुआ है, DRDA सेल बना हुआ है, वहाँ पे जाके सब लोग सॉफ्ट कॉपी में भेजें, ठीक है। किसी को पेनड्राइव लेके उस ऑफिस में भेज दें फोटोज के साथ और सॉफ्ट कॉपी के साथ, तो उसका फिर हम लोग PPT तैयार करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PWD, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PWD, आपका कोई केंद्र सरकार की कोई योजना चल रही है PWD? ये जो सूचना है कि अतिरिक्त भी मुझे पता है कुछ और योजनाएं हैं जो छूट गई हैं, GMDS साहब आपका कोई है, कोई केंद्र सरकार से सपोर्टेड कोई योजना? नहीं सर, एक बस क्लस्टर वाली हमारी है जो MSCCD। नहीं, आपका ये PMEGP और ये सब योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी के नाम पे है, तो ये तो हाँ जो इन सब का दे दीजिए डिटेल्स, ठीक है, उसको कंपाइल करके दीजिएगा। देखिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर किसी के यहाँ पे कोई ऐसी योजना है जो मुझसे छूट गया है लेकिन जिसमें भारत सरकार का सहयोग प्राप्त होता है, तो कृपया उसके डिटेल्स आप लोग भेज दें, जिससे कि उसकी PPT बन सके। और आप सभी जितने भी अधिकारी हैं संबंधित, जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी आपका इस जनपद में होगा, तो वो वहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करें। संवाद भवन में अभी टेंटेटिव है, लेकिन आपको अगर वेन्यू चेंज होता है तो आपको अलग से भी हम सूचित करेंगे। अभी टेंटेटिव टाइम 3 बजे का है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर मैडम की वजह से सिक्योरिटी चेकिंग रहती है, तो आप लोग इसलिए अपना आई कार्ड पहले से बना के रखें और समय से वहाँ पे तो मैडम तो वैसे शिक्षण समारोह में जुड़ी रहेंगी। सेकेंड हाफ में हम लोग के साथ 1-1 घंटे से प्रोग्राम किया गया है, विस्तार से मीटिंग भी करेंगे। खासतौर पर इसमें 3 सेक्शन उन्होंने बांटा है, जो सुबह जो 2 बजे तक का जो होगा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाइफ में होगा, उसी के बाद 3 योजना हम लोग को तो एक तो TV का संबंधित है, इसी में खासतौर पर जो NGO इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है, और जो 18 के नीचे के बच्चे के बहुत युवा है, उसी के लिए यूजली उसी में चर्चा भी करेंगे, फिर हम लोग प्रगति भी जानेंगे। उसके बाद फिर जो बोध लिए हुए लोग हैं तो उन्हीं पर अप्रिशिएशन लेते हैं, बांटेंगे। बच्चों को बुलाना मना कीजिए, तो जो पहले यदि बोध बुलाना तो पहले से करा लीजिए, उसी दिन उनको क्यों नाम बांटेगा, उसका क्या है यूनिवर्सिटी के भी बेसिक के भी माध्यमिक के भार माता जी को आकृति डाले गए रंगोली से, वहाँ बैठ जाएंगे या जगह कम है तो अपने स्कूल में जो क्लास है बड़ी वहाँ बैठेंगे और कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, गांधी जी के बारे में पढ़ना है तो गांधी जी का पढ़ते रहेंगे, या अपने मन से कोई के पास में कोई किताब पढ़ के वहीं बैठ के बैठना सर, अपने सर करिकुलम के अतिरिक्त सर कुछ भी पढ़ना, हाँ करिकुलम से अलग पढ़े कुछ भी पढ़े, लेकिन तो चाहे GK की किताब हो, चाहे इंसाइक्लोपीडिया हो, या गांधी जी का है, या कोई ऐसी चीज दे दी जाएगी कि
टॉपिक आप देंगे उपलब्ध करेंगे वो अपने आप स्कूल वाले अपने आप लाइब्रेरी से फोटो भेजा कुछ वो तो ठीक है आपके कितने बच्चे हमारे लगभग 2,00,000 बच्चे